Hi everyone, welcome to Prep IAS. I'm Rajni Jha and in today's session we are going to continue our science and technology lectures. Aaj ki class mein hum padhenge defense technology ke bare mein. Agar aapne abhi tak hamare channel ko subscribe nahi kiya hai, then do subscribe to the channel and hit the bell icon taki aapko regular updates milte rahe. Also, if you like today's lecture, do like it and share it amongst your friends. शुरू करते हैं. तो ये हमारा कोर्स एक फ्री क्रैश कोर्स चल रहा है 3 months का, जो कि स्टार्ट हुआ था 17th ऑफ मार्च को और ये चलेगा 20th जून तक. ये कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है जिसमें सीसैट इंक्लूडेड है, डाउट सेशंस इंक्लूडेड है, स्टडी मटेरियल आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाते हैं, फैकल्टी डिटेल्स आप यहाँ से देख सकते हैं और डिटेल शेड्यूल और रजिस्ट्रेशन लिंक के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक ऑफ टुडे सेशन डिफेंस टेक्नोलॉजी में. पहला टॉपिक है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्लान. इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्लान, इसको इनविजन किसने किया था? इसको इनविजन किया था प्रेसिडेंट, जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उन्होंने इसको इनविजन किया था इन 1983. इसका मकसद क्या था, इसका एम क्या था? इसका एम ये था कि इंडिया के पास सेल्फ सफिशिएंसी हो जाए मिसाइल टेक्नोलॉजी में. मतलब इंडिया मिसाइल टेक्नोलॉजी में किसी पे डिपेंडेंट ना रहे, खुद सफिशिएंट हो. इसमें 5 मिसाइल्स थे इस प्रोग्राम में जिसको डेवलप किए गए थे. पहला था पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग एंड आकाश. पृथ्वी अगर हम देखें तो एक शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है. अग्नि अगेन इसमें अलग अलग रेंजेस हैं, जैसे अग्नि 1, 2, 3, 4, 5. त्रिशूल ये शॉर्ट रेंज लो लेवल सरफेस टू एयर मिसाइल है. देखिए, सरफेस टू सरफेस है, सरफेस टू एयर है, शॉर्ट रेंज है, लॉन्ग रेंज है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए. ठीक है, तो पृथ्वी क्या है, कैसे याद रखोगे? पृथ्वी मतलब ग्राउंड, तो ये सरफेस टू सरफेस है. ठीक है, त्रिशूल क्या है? त्रिशूल क्या करता है, आपने देखा होगा ना मूवीज वगैरह में या फिर भगवान की जो फोटो बनी तो उसमें त्रिशूल मारते तो जमीन से वो आसमान तक जाते, बस याद करने का तरीका. तो ये शॉर्ट रेंज है और लो लेवल सरफेस से ये एयर तक जाता है. ठीक है, तो दिस इज अ लो लेवल सरफेस टू एयर मिसाइल. नाग, नाग इट्स लाइक कोबरा, तो ये थर्ड जनरेशन एंटी टैंक मिसाइल है. इन सबके बारे में हम डिटेल में भी देखेंगे. आकाश, आकाश क्या है? आकाश समझ में आ रहा है, आसमान से है, तो मतलब एयर तो इसमें इंक्लूडेड ही होगा. तो ये मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल. ठीक है, 2008 में डीआरडीओ ने ये अनाउंस कर दिया था कि भाई इस प्रोग्राम का कंप्लीशन हो चुका है. तो ये इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्लान 2008 में कंप्लीट हो चुका था. ठीक है, अब इसमें अग्नि वन की बात करते हैं. तो अग्नि वन क्या है, ये एक सिंगल स्टेज इंजन है इसके अंदर, जिसमें सॉलिड फ्यूल है. अग्नि में कैसा फ्यूल है? सॉलिड फ्यूल है. ये शॉर्ट रेंज है, 700 किलोमीटर कवर करता है. अग्नि टू की बात करें तो ये क्या है, 2 स्टेज है. अगेन उसमें क्या था, सिंगल स्टेज इंजन था, इसमें 2 स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट इंजन है. मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है ये, कवरेज 2000 किलोमीटर तक है. अग्नि 3 की बात करें तो अगेन ये 2 स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट इंजन है, ये इंटरमीडिएट रेंज का मिसाइल है, कवरेज 3000 किलोमीटर है. आप देख रहे हैं जैसे जैसे अग्नि के अलग अलग फॉर्म्स आते गए, फर्स्ट के बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, वैसे वैसे उसकी कवरेज बढ़ती गई. अग्नि 4 में हम देखेंगे ये भी एक 2 स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट इंजन है, इंटरमीडिएट रेंज है इसका एंड कवरेज इसकी 4000 किलोमीटर तक है. और अग्नि 5th इसमें 3 स्टेज सॉलिड है. ठीक है, कितना है, 3 स्टेज. तो अभी तक कितने थे, सारे 2 स्टेज थे, अग्नि 5th है 3 स्टेज. पृथ्वी की बात करते हैं, पृथ्वी में भी 2 है, पृथ्वी 1 एंड पृथ्वी 2, दोनों ही सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है. पृथ्वी 2 को इंडिया में अपने आप डेवलप किया गया था और ये एक न्यूक्लियर केपेबल, ठीक है, न्यूक्लियर केपेबल सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, शॉर्ट रेंज है और इसको डेवलप किसने किया था, डीआरडीओ ने, राइट. अब इसका अगर हम यूज देखते हैं, ये कहाँ पे, ये क्या चीज यूज करता है, ठीक है, ये क्या चीज यूज करता है, ये एक गाइडेंस सिस्टम, इनर्शियल गाइडेंस सिस्टम का इस्तेमाल करता है ताकि अपने टारगेट को हिट कर सके. धनुष, जिसका नाम पृथ्वी 3 भी है, पृथ्वी 3, अभी हम पृथ्वी 1 और 2 के बारे में टेबल में भी देखेंगे, पृथ्वी 3 जिसका नाम धनुष भी रखा गया है, ये एक नेवल वेरिएंट है पृथ्वी मिसाइल का. ठीक है, नेवी में यूज होता है. तो पृथ्वी 1 और पृथ्वी 2 के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं, दोनों ही शॉर्ट रेंज है. ठीक है, दोनों में आप देखोगे लिक्विड प्रोपेलेंट है, बैलिस्टिक मिसाइल है ये, दोनों ही सिंगल स्टेज लिक्विड प्रोपेलेंट है विद ट्विन इंजन. डिफरेंस कहाँ आता है, डिफरेंस आता है उनके कवरेज में. इसका मिनिमम रेंज है 40 किलोमीटर का, मैक्सिमम रेंज है 150 किलोमीटर का, जबकि पृथ्वी 2 में मैक्सिमम रेंज आता है 350 किलोमीटर का. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं नाग. ये नाम यू नो स्नेक के ऊपर लिया गया है, कोबरा के ऊपर, नाग हम हिंदी में बोलते हैं. तो ये क्या है, इसमें आप देखोगे इंफ्रारेड
रिडार सीकर है, इसके अंदर एडवांस्ड इमेजिंग इंफ्रारेड रिडार सीकर है, ठीक है। इसमें एवियोनिक्स टेक्नोलॉजी, एवियोनिक्स क्या होता है, फ्लाइट से रिलेटेड होता है, एवियोनिक्स टेक्नोलॉजी इसको इंटीग्रेट की गई है इसके आर्सेनल में, इसके जो वॉर है, जो वेपन सिस्टम है उसके अंदर एवियोनिक्स टेक्नोलॉजी इसमें इंटीग्रेट की गई है। नाग को आप लैंड और एयर बेस्ड प्लेटफॉर्म दोनों से लॉन्च कर सकते हैं। लैंड वर्जन जो अभी अवेलेबल है वो उसका नाम क्या है, नामिका, यानी कि नाग मिसाइल कैरियर, तो नामिका ये लैंड वर्जन है इसका। जो लैंड बेस्ड वर्जन है उसका रेंज 4 किलोमीटर्स तक का है, ठीक है, और एयर बेस्ड का वर्जन का रेंज 7 किलोमीटर तक। इसका जो हेलीकॉप्टर लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन है उसका नाम है हेलीना, हेलीकॉप्टर लॉन्च नाग, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आकाश मिसाइल की। कही कि आकाश मिसाइल डीआरडीओ द्वारा डेवलप्ड है, सुपरसोनिक है, सरफेस टू एयर मिसाइल है, सुपरसोनिक सरफेस टू एयर मिसाइल, स्ट्राइक रेंज इसकी 25 किलोमीटर की होती है। और आप देखेंगे जितने भी एरियल टारगेट्स होते हैं, राइट, जितने भी एरियल टारगेट्स हैं मल्टीपल लोकेशन से, अलग अलग डायरेक्शन से जो साइमल्टेनियसली आ रहे हैं, उनको ये न्यूट्रलाइज कर सकता है। ये सिस्टम ऑटोनोमस है और कम्प्लीटली ऑपरेशनल है अपने फुल्ली ऑटोनोमेटेड वर्जन में भी, ठीक है। फुल्ली ऑटोमेटेड का क्या मतलब होता है, अपने आप ये फंक्शन कर सकता है, तो ये कम्प्लीटली ऑपरेशनल है। नेक्स्ट हम आते हैं त्रिशूल की। त्रिशूल में हमने क्या पढ़ा था, ये त्रिशूल क्या है, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, ठीक है। तो ये डीआरडीओ ने डेवलप किया है, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल है। देन इसमें आप एक थ्रस्ट प्रोपल्शन स्टेज देखेंगे जिसमें आप देखोगे कि इसका जो प्रोपेलेंट है वो बहुत हाई एनर्जी सॉलिड प्रोपेलेंट है। सो इसके अंदर ड्यूअल थ्रस्ट प्रोपल्शन स्टेज है। थ्रस्ट क्या होता है, जो इनिशियल एनर्जी चाहिए होती है उसको थ्रस्ट कहते हैं। तो इसमें ड्यूअल थ्रस्ट प्रोपल्शन स्टेज है और वो हाई एनर्जी सॉलिड प्रोपेलेंट का इस्तेमाल करता है। त्रिशूल की बात करें तो त्रिशूल क्विकेस्ट रिएक्शन टाइम है, इसका रिएक्शन टाइम सबसे ज्यादा हाई है, हाई फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन है, इसकी लीथल कैपेबिलिटी मतलब मारने की कैपेसिटी बहुत हाई है, और ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम प्रोवाइड करता है जिसमें आर्म्ड फोर्सेस को बहुत सारे एडवांटेजेस मिलते हैं, ठीक है। त्रिशूल के बारे में डीआरडीओ ने डेवलप किया है, क्विकेस्ट रिएक्शन टाइम है इसका, सरफेस टू एयर मिसाइल है, देन ड्यूअल थ्रस्ट प्रोपल्शन सिस्टम है और ये हाई एनर्जी सॉलिड प्रोपेलेंट का इस्तेमाल करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रह्मोस की। ब्रह्मोस की बात हमने पहले भी की थी, मैंने आपको रामजेट और स्क्रामजेट का डिफरेंस बताया था, वहां पे आई होप आपने पढ़ा हो। तो ब्रह्मोस एक रामजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, शॉर्ट रेंज का है, डीआरडीओ ने डेवलप किया है इसको। डीआरडीओ और आप रशियन फेडरेशन की एनपीओ दोनों ने मिलकर डेवलप किया है। ब्रह्मोस का नाम किसके नाम के बाद रखा गया था, दो मेजर रिवर्स हैं इंडिया और रशिया की, ब्रह्मपुत्र और मॉस्कवा, इन दोनों के नाम को मिला के ब्रह्मोस नाम रखा गया है। तो इस जॉइंट वेंचर में जो टेक्नोलॉजी यूज हुई है वो रशिया की P-800 ऑनिक्स क्रूज मिसाइल की टेक्नोलॉजी में यूज हुई है, ठीक है, रशिया से टेक्नोलॉजी में यूज हुई है। ये एक जॉइंट वेंचर है, मैंने आपको बता दिया है, इंडिया और रशिया का। ब्रह्मोस एक रामजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, मैंने आपको बता दिया था इसके बारे में। नाग की बात करते हैं, नाग क्या है, नाग कोबरा के नाम पे रखा हुआ नाम है। तो इसको इसलिए क्यों डेवलप किया गया था, ताकि जितने भी फोर्टिफाइड, जितने हाईली फोर्टिफाइड एनिमी टैंक्स है, टैंक्स आपने सुना है वो ट्रक जैसा आप कह सकते हो, उसमें बहुत सारे वेपन्स होते हैं, तो हाईली फोर्टिफाइड एनिमी टैंक्स का मतलब चाहे कितना भी ज्यादा स्ट्रांग एनिमी टैंक बनाया हो उसको स्ट्राइक कर सकता है, उसको न्यूट्रलाइज कर सकता है, रात को भी आराम से स्ट्राइक कर सकता है, नाग की कैपेबिलिटी है, ठीक है। देन ATGMs, ये मिसाइल सिस्टम है जो जितने भी आर्म्ड व्हीकल्स होते हैं, आर्मर्ड व्हीकल्स होते हैं, जैसे टैंक्स हो गए, टैंक्स में क्या होता है, बहुत सारे आपको तोप भी मिल जाएगा, सब मिल जाएगा उसमें लगा हुआ, इनको स्ट्राइक करने का काम करते हैं, ये उस मिसाइल सिस्टम का नाम। इसका मिनिमम रेंज 500 मीटर्स का है, मैक्सिमम रेंज 4 किलोमीटर का है। और ये देखिए मिसाइल की कैटेगरी है फायर एंड फॉरगेट, उसके अंदर आता है नाग। नाग यूज करता है इंफ्रारेड इमेजिंग सिस्टम, ठीक है, तो इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर इसमें भी यूज होता है। आप मुझे बताएंगे, अभी भी मैंने एक और में पढ़ाया था आपको इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर, वो किसमें यूज होता है, ठीक है। तो ये इंफ्रारेड सीकर का इस्तेमाल करता है ताकि अपने टारगेट को लॉक ऑन कर सके कि मुझे इस टारगेट को हिट करना है, और उसके बाद ये लॉन्च करता है। ओके, नाक की बात करें तो इसमें आपको दो मोड मिलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं टॉप अटैक मोड की। तो इसका जो टॉप अटैक मोड है, एक टॉप अटैक मोड है, एक डायरेक्ट अटैक मोड। तो टॉप अटैक मोड में क्या होता है कि मिसाइल इसकी रिक्वायरमेंट क्या होगी, मिसाइल ऐसे शार्पली क्लाइंब करेगा, ठीक है, लॉन्च के बाद इस तरीके से शार्पली क्लाइंब करेगा एक ऑल्टीट्यूड तक आकर, उसके बाद जहां पे भी टारगेट है उसके एकदम सरफेस पे आके
प्लंज कर जाएगा या गिर जाएगा। दूसरा है डायरेक्ट अटैक मोड, इसमें क्या होता है, इसमें भी मिसाइल ट्रैवल करता है पर इतना हाइट पे नहीं जाता, लोअर ऑल्टीट्यूड पे ट्रैवल करता है और डायरेक्टली स्ट्राइक कर देता है इस तरीके से। ठीक है, तो एक टॉप अटैक है वो ऐसे होगा और डायरेक्ट वाला होगा वो ऐसे होगा। क्लियर। अब इसके अंदर कैपेबिलिटी है कि ये जो मेन बैटल टैंक्स होते हैं जिसमें बहुत सारे आर्मर, बहुत सारे वेपन्स होते हैं, रिएक्टिव वेपन्स होते हैं, उनको आराम से ये डिफीट कर सकता है। नाग मिसाइल कैरियर की बात करें जिसका नाम है नामिका, ये एक रशियन ओरिजिन BMP-2 बेस्ड सिस्टम है और ये BM-2 की अगर बात करें तो ये एक फाइटिंग व्हीकल है, इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल। इन्फेंट्री क्या होता है, इन्फेंट्री के अंदर जो सोल्जर्स होते हैं वो वॉक करते हैं। ठीक है, तो ये एक मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल है। अब नाग में एक वर्जन है ATGM, DRDO इसके फाइनल स्टेज पे भी काम कर रही है और ये एक्चुअली क्या है, ATGM मैंने अभी पीछे ही बताया था आपको, ये हेलीकॉप्टर लॉन्च वर्जन है नाग ATGM का जिसका नाम है हेलीना। ठीक है, और इसको सक्सेस मिल गई थी 2018 के अंदर। नेक्स्ट इज निर्भय सबसोनिक क्रूज मिसाइल। निर्भय क्या है, ये एक लॉन्ग रेंज ऑल वेदर सबसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसको इंडिया में डिजाइन और डेवलप किया गया है बाय DRDO। मिसाइल को आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे लॉन्च कर सकते हो और जो नॉर्मल कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वॉर हेड्स होते हैं उन सबको ये आराम से कैरी कर सकता है। देन ये एक टू स्टेज मिसाइल है जिसमें आप देखेंगे सॉलिड रॉकेट मोटर बूस्टर है। इसकी कैपेबिलिटी की अगर हम बात करें, जो वॉरहेड्स होते हैं, जो वेपन्स हैं, वो 300 किलोग्राम तक के वॉरहेड्स ये कैरी कर सकता है एट द स्पीड ऑफ 0.6 to 0.7 Mach, टू सुपरसोनिक स्पीड, सबसोनिक स्पीड है ये। ऑपरेशनल रेंज कितना है, मार्क की डेफिनेशन मैंने आपको पहली क्लास में बताई थी तो आई होप आपको याद हो। ऑपरेशनल रेंज इसका है 1000 किलोमीटर, जैसा मैंने आपको बताया एक लॉन्ग रेंज मिसाइल है। निर्भय क्रूज मिसाइल, ये इंडियन वर्जन है किसका, अमेरिकन टोमाहॉक का, या अमेरिकन टोमाहॉक है उसी का इंडियन वर्जन बनाया गया है निर्भय क्रूज मिसाइल। नेक्स्ट हम बात करते हैं अस्त्र मिसाइल की। ये अगेन एक इंडिजिनसली डेवलप्ड बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, मतलब जितना आपकी आई देख सकती है उसके बियॉन्ड जाता है। अस्त्र का डिजाइन कुछ इस तरीके से किया गया है कि ये फाइटर एयरक्राफ्ट पे लगाया जाता है और जितने भी सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट होते हैं, कितने भी हाईली मेनूवरिंग हो, मतलब कितने भी हाईली स्मार्ट सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट हो, उनको आसानी से ये एंगेज और डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसके अंदर आप देखेंगे वॉरहेड 15 किलोग्राम हाई एक्सप्लोसिव प्री फ्रेगमेंटेड वॉरहेड ये कैरी करता है। इसका रेंज 70 किलोमीटर्स तक है। टारगेट की तरफ ये फ्लाई कर सकता है विद अ स्पीड ऑफ 5555 किलोमीटर पर आवर। ये मिसाइल भी ऑल वेदर डे है, ठीक है, किसी भी वेदर में यूज हो सकता है, नाइट कैपेबिलिटी भी है इसके अंदर। इस मिसाइल को DRDO ने डेवलप किया है, बट क्या सिर्फ DRDO ने डेवलप किया, नहीं, इसमें और भी पब्लिक और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन थे, बहुत सारे, अराउंड 50 पब्लिक एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन थे जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। मिसाइल के टाइप्स देख लेते हैं, एक होता है क्रूज मिसाइल, सबसोनिक क्रूज मिसाइल, सुपरसोनिक। सबसे पहले क्रूज मिसाइल की बात करते हैं। क्रूज मिसाइल क्या है, ये अनमैंड सेल्फ प्रोपेल्ड गाइडेड व्हीकल है। अनमैंड का मतलब इसमें इंसान की जरूरत नहीं पड़ेगी इस मिसाइल के अंदर, ठीक है, और सेल्फ प्रोपेल्ड है, मतलब खुद को खुद प्रोपेल कर सकता है ये सेल्फ प्रोपेल्ड और गाइडेड व्हीकल। अब ये अर्थ के एटमोस्फेयर में ही फ्लाई करते हैं, जेट इंजन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं और इसका स्पीड के बेसिस पे अलग अलग क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है। जैसे कि सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, स्पीड है, सबसोनिक क्रूज मिसाइल की स्पीड कितनी होती है, अराउंड 0.8 Mach। ये साउंड की जो स्पीड होती है उससे थोड़ी कम स्पीड पे चलता है, इसलिए इसका नाम है सबसोनिक, राइट। नेक्स्ट है सुपरसोनिक। सुपरसोनिक की स्पीड आप देखोगे 2 to 3 Mach है। तो ये सुपरसोनिक स्पीड वॉरहेड मास के साथ मिलकर इतनी काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करता है कि इसका इफेक्ट बहुत लीथल होता है। फिर हाइपरसोनिक की बात करते हैं, हाइपर मतलब ज्यादा, ठीक है, तो हाइपर मतलब ज्यादा है यानी कि इसकी स्पीड काफी ज्यादा होगी, इसकी स्पीड 5 Mach से ज्यादा होती है, क्लियर। नेक्स्ट है बैलिस्टिक मिसाइल। ये एक ऐसा मिसाइल है जिसमें बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री यूज होता है फ्लाइट पाथ में। द क्वेश्चन इज, ये बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री क्या है, आपने देखा कभी आप बॉल फेंकते हो बहुत स्पीड से तो वो एक दूर पे कुछ इस तरीके का पाथ कवर करके किसी दूर पे जाके गिरती है। अब वो बॉल किस पे काम कर रही है, अभी उसके साथ कोई कांस्टेंट फोर्स तो नहीं है, वो ग्रेविटेशनल फील्ड पे काम कर रही है और इस तरीके का पाथ कवर करती है, इसी को बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। तो एक ऐसा मिसाइल जो इनिशियल फोर्स के बाद सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स पे काम कर रहा है या एयर के फ्रिक्शन पे काम कर रहा है और उसके बेसिस पे एक अपना पाथ कवर करता है, उसको बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री कहते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं एयर डिफेंस सिस्टम्स की। तो एयर डिफेंस सिस्टम में सबसे पहले आता है MRSAM। MRSAM क्या है? मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। दिस इज अ हाई रिस्पॉन्स क्विक रिएक्शन वर्टिकली लॉन्च्ड, ठीक है, वर्टिकली लॉन्च्ड सुपरसोनिक मिसाइल। तो हाई रिस्पॉन्स है इसका, रिएक्शन काफी हाई है, काफी क्विक रिएक्शन है, और वर्टिकली लॉन्च किया जाता है इस सुपरसोनिक मिसाइल को। और किसी भी कोई भी एरियल एनिमी हो, यानी कि हवा में कोई भी एनिमी थ्रेट हो, चाहे वो मिसाइल है, एयरक्राफ्ट है, बॉम्ब है, हेलीकॉप्टर है, उसको ये न्यूट्रलाइज कर सकता है। सुपरसोनिक मिसाइल की जो स्पीड है, ऑब्वियसली वो 1 मार्क से ज्यादा होती है, लेकिन मार्क 3 से ज्यादा नहीं, तो यानी कि मार्क 1 और 3 के बीच में है। इसको आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इनके अलग अलग वेरियंट्स, ये अलग अलग एरियाज में यूज होते हैं। मार्च 2019 में इंडियन नेवी, DRDO और IAI, इन्होंने इसका एक इनिशियल कोऑपरेटिव एंगेजमेंट फायरिंग इसकी कंडक्ट की थी, MRSAM के नेवल वर्जन। ये एक लैंड बेस्ड वेरियंट है किसका? बराक एयर एंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम, AMD, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं MRSAM की आर्मी वेरिएंट। तो ये क्या है? ये सरफेस टू एयर मिसाइल है जिसको जॉइंटली डेवलप किया था DRDO और इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री, जो मैंने आपको यहाँ IAI बताया था, ठीक है, फॉर इंडियन आर्मी, ठीक है, इंडियन आर्मी के यूज के लिए। इसके अंदर आप देखोगे कमांड कंट्रोल पोस्ट है, मल्टी फंक्शन रडार है, मोबाइल लॉन्चर सिस्टम है। तो इसके आर्मी वेरिएंट में क्या क्या है? कमांड एंड कंट्रोल पोस्ट, मल्टी फंक्शन रडार एंड मोबाइल लॉन्चर सिस्टम। देन बात करते हैं आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम की। इसराइल अपना आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम को उसने यूज किया था इन द रीसेंट क्लैश विद जेरूसलम, राइट, मार्च में काफी ज्यादा न्यूज में था। ये है क्या? ये एक शॉर्ट रेंज ग्राउंड टू एयर एयर डिफेंस सिस्टम है जिसके अंदर आपको रडार मिल जाएगा, इंटरसेप्टर मिसाइल्स मिल जाएंगे, जो किसी भी रॉकेट या मिसाइल को बहुत आसानी से ट्रैक कर सकते हैं और न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। इसको रॉकेट्स को, आर्टिलरी एंड मोर्टर और एयरक्राफ्ट्स को, हेलीकॉप्टर्स को, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स को, इन सबको काउंटर करने के लिए यूज किया जाता है। ये ऑल वेदर कंडीशन में यूज हो सकता है और डे और नाइट किसी भी टाइम पे यूज हो सकता है, यानी कि इसकी नाइट कैपेबिलिटी भी है। इसको डेवलप किसने किया था? स्टेट के द्वारा रन एक फैसिलिटी है, इंडस्ट्री है, क्या नाम है, रफाइल एडवांस डिफेंस सिस्टम एंड इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री, और इसको डिप्लॉय किया गया 2011 के अंदर। रफाइल ने क्लेम किया था कि इसका सक्सेस रेट 90% से ज्यादा है और इसके अंदर 2000 से ज्यादा इंटरसेप्शन है, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है इसका सक्सेस रेट 80% के आसपास है। इसमें क्या क्या कॉम्पोनेंट्स है? तो इस आयरन डोम में मेन 3 सिस्टम्स हैं, ठीक है, जो एक साथ काम करते हैं। पहला है रडार, दूसरा वेपन कंट्रोल एंड तीसरा मिसाइल फायर। तो रडार क्या करता है? रडार किसी भी इनकमिंग थ्रेट को स्पॉट करता है। रडार यही करते हैं, वो डिटेक्ट करेंगे, ट्रैक करेंगे किसी भी इनकमिंग थ्रेट को। वेपन कंट्रोल क्या करेगा? ये बैटल मैनेजमेंट है इसके अंदर, और इसके अंदर एक वेपन कंट्रोल सिस्टम है जो इसके वेपन्स को कंट्रोल करेगा। मिसाइल फायर, इसके अंदर एक मिसाइल फायरिंग यूनिट है जो आपका ये BMC है, यानी कि बैटल मैनेजमेंट एंड वेपन कंट्रोल सिस्टम। ये करता क्या है? ये रडार और इंटरसेप्टर मिसाइल के बीच में एक तरीके से कनेक्शन बनाने का काम करता है, क्लियर। तो रडार क्या करेगा? इनकमिंग थ्रेट को प्रोटेक्ट करेगा। वेपन कंट्रोल इसका मैनेजमेंट सिस्टम है वेपन्स का, और मिसाइल फायर फिर मिसाइल फायर करता है। इंडिया के पास इसके क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं? तो पहला है S-400 Triumph। इंडिया का S-400 Triumph ये क्या है? ये तीन थ्रेट्स के लिए केटर करता है। कौन कौन सी? रॉकेट्स में भी काम करेगा ये, मिसाइल में भी और क्रूज मिसाइल्स में भी। अब इनका रेंज काफी ज्यादा होगा, ये एयर डिफेंस बबल की अगर हम बात करते हैं तो इसके पास बहुत बड़ा एक एयर डिफेंस बबल है जो थ्रेट्स को आसानी से खत्म कर सकता है। ये एक सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, रशिया ने डिजाइन किया था। इस सिस्टम में आप देखेंगे किसी भी टाइप का एरियल टारगेट है, मतलब कोई भी टारगेट जो हवा में है, रॉकेट है, मिसाइल है, कुछ भी है जो हवा में है, जो 400 किलोमीटर के रेंज में होगा और 30 किलोमीटर की हाइट पे होगा, उसको आसानी से ये एंगेज कर सकता है, ठीक है। ये 100 टारगेट्स को एक साथ ट्रैक कर सकता है और उनमें से 6 को एक साथ एंगेज कर सकता है, ठीक है। तो ये 100 टारगेट को, एयरबोर्न टारगेट्स को आसानी से ट्रैक करके उसमें से 6 को एक साथ एंगेज कर सकता है। दूसरा आता है पृथ्वी एयर डिफेंस एंड एडवांस एयर डिफेंस। ये एक डबल टियर्ड सिस्टम है जिसके अंदर 2 लैंड एंड सी बेस इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं,
लैंड और सी बेस्ड कौन से हैं? पृथ्वी, लैंड बेस्ड कौन सा होगा? पृथ्वी एयर डिफेंस, जो पैड मिसाइल है हाई ऑल्टीट्यूड इंटरसेप्शन के लिए, और दूसरा है एएडी यानी कि एडवांस्ड एयर डिफेंस मिसाइल, जो लोअर ऑल्टीट्यूड इंटरसेप्शन के लिए है। इसका रेंज आप देखेंगे, ये किसी भी कोई भी मिसाइल जो 5,000 किलोमीटर की रेंज में है उसको आसानी से इंटरसेप्ट कर सकता है। इसके अंदर आपको एक अर्ली वार्निंग एंड ट्रैकिंग रडार मिलेगा, एक कमांड एंड कंट्रोल पोस्ट मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अश्विन एडवांस्ड एयर डिफेंस इंटरसेप्टर मिसाइल की। इंडिजिनसली प्रोड्यूस्ड है ये, राइट? इंडिजिनसली प्रोड्यूस्ड एडवांस्ड एयर डिफेंस इंटरसेप्टर मिसाइल, जिसको डीआरडीओ ने डेवलप किया है, क्लियर? ये जो लो ऑल्टीट्यूड सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स होते हैं उनका एक एडवांस्ड वर्जन है। इसमें खुद का एक मोबाइल लॉन्चर है, ठीक है। जितने भी इंटरसेप्शन के लिए डेटा लिंक है वो सिक्योर करेगा वो। इसमें ट्रैकिंग, इंडिपेंडेंट ट्रैकिंग और होमिंग कैपेबिलिटीज हैं, रिडार्स हैं अच्छे इसके। ये एक्चुअली एंडोस्फेरिक इंटरसेप्टर का इस्तेमाल करता है। एंडोस्फेरिक का मतलब जो अर्थ के एटमोस्फेयर के अंदर ही हो। कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल जो 60,000 से 1 लाख फीट के बीच में है, इतने हाइट के बीच में है, और 90 to 125 डिस्टेंस, माइल्स के डिस्टेंस के बीच में है, उसको ये आसानी से नॉकआउट कर सकता है। और ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही, ये एक ऐसा सिस्टम है जो अर्थ के एटमॉस्फेयर का ही इस्तेमाल करता है, मतलब एंडोस्फेरिक इंटरसेप्टर है इसके अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं QRSAM की, यानी कि क्विक रिएक्शन सर्फेस टू एयर मिसाइल। क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल की रेंज है 30 किलोमीटर की, जो इसको एक शॉर्ट रेंज SAM बनाती है, यानी कि शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल बनाती है। इसका ऑल्टीट्यूड यानी कि हाइट जा सकती है 10 किलोमीटर तक। ये भी एक इंडिजिनस मिसाइल सिस्टम है, DRDO ने डेवलप किया है। इसका जो मिसाइल वेपन सिस्टम एलिमेंट है, इसका ध्यान तीन कंपनीज रखती है। पहला BEL यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, दूसरा BDL इंडियन आर्मी के लिए, जो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड है, और तीसरा LNT दैट इज लार्सन एंड टर्बो। नाउ इसके अंदर दो रेडार्स हैं, 360 डिग्री कवरेज है, यानी कि ओवरऑल कवरेज है, कंप्लीट कवरेज है। किसी भी टारगेट को इजीली ये सर्च और ट्रैक कर सकता है। इसके अंदर एक सिंगल स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट है। इसका कमांड और कंट्रोल सिस्टम फुल्ली ऑटोमेटेड है। ऑल वेदर मिसाइल सिस्टम, किसी भी वेदर में यूज हो सकता है। नेक्स्ट आप देखिए, लेटेस्ट जो टेस्ट फायरिंग हुई थी इसके नवंबर 2020 में हुई थी, जिसमें अलग अलग बॉडीज ने पार्टिसिपेट किया था। जैसे कि हैदराबाद में जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी एंड रिसर्च सेंटर है, देन बैंगलोर की इलेक्ट्रॉनिक एंड रडार डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट, पुणे की रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट, देहरादून की इंस्ट्रूमेंट्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट, एंड चंडीपुर की इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज। टोटल अगर देखा जाए तो 7 फायरिंग हुई है QRSAM की 2017 से लेके अब तक। नेक्स्ट हम देखते हैं सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी। सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी मतलब जिससे हम नजर रख सके। पहला है नेत्र, याद रख सकते हो, नेत्र सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी है। नेत्र मतलब आईज होती है, आईज से आप सर्वेलेंस कर सकते हो, ठीक है। तो प्रोजेक्ट नेत्र ये एक इनिशिएटिव है इसरो का, और ये बेसिकली एक अर्ली वार्निंग सिस्टम है स्पेस में। किसी भी तरीके का अगर डेब्री होता है या हेजार्डस कोई मटेरियल है जो इंडियन सेटेलाइट्स के लिए हेजार्डस है, मतलब इंडियन सेटेलाइट्स को नुकसान पहुंचा सकता है, तो उसके लिए वार्निंग सिस्टम है नेत्र। इस प्रोजेक्ट में बहुत सारी चीजें इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत सारी फैसिलिटीज रखी है, जैसे टेलीस्कोप, रिडार्स, डेटा प्रोसेसिंग यूनिट्स, कंट्रोल सेंटर एक्सेट्रा। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? ये जो हमने टेलीस्कोप, रडार, डेटा प्रोसेसिंग यूनिट की बात की है, इन सब से चाहे छोटे से छोटा ऑब्जेक्ट हो, मतलब 10 सेंटीमीटर जितना ऑब्जेक्ट, या बड़े से बड़ा ऑब्जेक्ट हो, जैसे आप कह सकते हैं बहुत डिस्टेंस तक भी अगर कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कि 3,400 किलोमीटर तक के डिस्टेंस पे भी है, तो उसको रिसर्चर्स और साइंटिस्ट आसानी से स्पॉट कर सकते हैं और ट्रैक कर सकते हैं। इसका मेन एम है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट को कैप्चर करना। वो आप देखेंगे वो अराउंड 36,000 किलोमीटर दूर है, और ये वही जगह है जहां पे कम्युनिकेशन सेटेलाइट्स ऑपरेट करती है। तो वहां पे ट्रैक करके किसी भी तरीके का अगर डेंजर होता है तो उसको ये आसानी से स्पॉट कर सकता है और ट्रैक कर सकता है।
सिग्निफिकेंस क्या है इसका? इसका सिग्निफिकेंस ये है कि इंडिया चाहता है कि स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस में उसकी अपनी कैपेबिलिटी हो। इसका क्या मतलब हुआ? स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस का मतलब है कि स्पेस में किसी तरीके का डेब्री या कोई ऐसा हैजार्डस मटेरियल तो नहीं है जो सेटेलाइट्स को हार्म कर दे। तो ऐसी चीजों को आइडेंटिफाई करने के लिए इंडिया का अपना स्टैंड लेने के लिए ये प्रोजेक्ट लाया गया है। ठीक है, देन इस प्रोजेक्ट से फायदा क्या होगा? इस प्रोजेक्ट से इंडिया बाकी जितने भी इंटरनेशनल स्पेस एजेंसीज हैं उनके बराबर की टक्कर उन्हें दे सकती है। जो फंक्शनल इंडियन सैटेलाइट्स हैं वो जनरली जियो जीईओ या एलईओ पे है और उनको आसानी से इस प्रोजेक्ट की हेल्प से सेफ रखा जा सकता है। नेक्स्ट टेक्नोलॉजी है रुस्तम 2 ड्रोन। रुस्तम 2 क्या है? एक मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन है। ठीक है, MALE। इसको डिजाइन और डेवलप किया है एडीई ने, यानी कि एस्ट्रोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डीआरडीओ, राइट। उसके अलावा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, इन्होंने मिलकर रुस्तम 2 ड्रोन को बनाया है। ठीक है, अब इसका ऑल्टीट्यूड कितना हो सकता है? ये करीब 22,000 फीट तक फ्लाई कर सकता है और 20 आवर्स तक इसका एंड्योरेंस है। ये डिफरेंट वैरायटी ऑफ पेलोड्स को लेके जा सकता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस, सिंथेटिक अपर्चर रडार, कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस, सिचुएशनल अवेयरनेस पेलोड्स। ये जितने भी मिशंस हैं रात के टाइम पे भी उनको उनको लेके ये उन पेलोड्स को लेके ये कैरी कर सकता है। दूसरी चीज, ये इंडियन आर्म फोर्सेस के तीनों सर्विसेज के लिए यूज होगा। मेनली यूज होगा ये इंटेलिजेंस एंड सर्वेलेंस ऑपरेशंस के लिए। रुस्तम 2, इसके अंदर आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक मोड्स दोनों मिल जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं मंत्रा की। ये अगेन एक अनमैन्ड रिमोटली ऑपरेटेड टैंक है। अनमैन्ड मतलब इसमें इंसान के होने की जरूरत नहीं है, रिमोटली ऑपरेटेड है, दूर से आप इसको ऑपरेट कर सकते हो। डीआरडीओ ने डेवलप किया है, तीन वेरिएंट्स है, एक है S सर्वेलेंस के लिए, M माइन डिटेक्शन के लिए और N रिकॉनिसेंस के लिए। कैसे एरियाज में? जो न्यूक्लियर और बायोलॉजिकल थ्रेट वाले एरियाज हैं और जनरली नक्सल हिट एरियाज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं नेवी के अंदर क्या टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हुए हैं। तो पहला है स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन। स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन, आप कह सकते हो जितने भी सबमरीन्स हैं वर्ल्ड में, जितने भी एडवांस सबमरीन्स हैं वर्ल्ड में, उसमें से एक है। इसको फ्रेंच नेवल शिप बिल्डिंग फर्म DCNS द्वारा डिजाइन किया गया था इन पार्टनरशिप विद स्पैनिश शिप बिल्डिंग फर्म नेवांतिया। अब इसके अंदर आपको बहुत अच्छे अच्छे कुछ फीचर्स मिलेंगे, जैसे कि इसका अकूस्टिक साइलेंसिंग टेक्निक, मतलब बहुत साइलेंट रहेगा ये। ठीक है, नॉइज लेवल लो नॉइज लेवल रेडिएट होगा इसके अंदर। देन गाइडेड वेपन्स को, जितने भी गाइडेड वेपन्स हैं बोर्ड पे, उनको बहुत प्रिसिजन के साथ ये अटैक कर सकता है। देन इंडियन नेवी का इंटेंट रहेगा कि इसको यूज किया जाए फॉर एरिया सर्वेलेंस, इंटेलिजेंस गैदरिंग, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, एंटी सर्फेस वॉरफेयर एटसेट्रा के लिए। देन सबमरीन्स, ये जो सबमरीन्स है इनके अंदर 6 टॉर्पीडो लॉन्चिंग ट्यूब्स हैं, 18 हैवी वेपन्स हैं, ट्यूब लॉन्च्ड MBDA, SM-39 एक्सोसेट एंटी शिप मिसाइल है। ये नेम्स आपको याद रखने हैं। यस, देन प्रिसीजन गाइडेड वेपन्स है। देन इसके अंदर एबिलिटी है कि 21 दिन तक सबमर्ज रह सकता है। डाइविंग डेप्थ इसकी 350 मीटर से भी ज्यादा है। और बहुत सारे स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है, जैसे कि INS कलवरी। ये फर्स्ट सबमरीन थी इस क्लास की और इसको कमीशन किया गया था इन December 2017। सेकेंड है खांदेरी, INS खांदेरी, इसको किया गया था इन September 2019। थर्ड है करंज, ये तीसरा है जो 6 स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन है उनमें से ये तीसरा है। प्रोजेक्ट 75 के अंदर आता है ये इंडियन नेवी के। फोर्थ है वेला, इसको वाटर में लॉन्च किया गया था May 2019 को। फिफ्थ है बागिर, इसको नवंबर 2020 में लॉन्च किया गया था और अभी ये सी ट्रायल्स में ही है। सिक्स्थ एक्चुअली आउटफिटिंग का एडवांस स्टेज, अभी इसमें अपने एडवांस स्टेज में है 6th वन, इसीलिए उसके बारे में अभी पता नहीं है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है INS करंज। तो इसके कुछ स्पेशल फीचर्स देख लेते हैं। इसमें बेस्ट सेंसर्स हैं पूरे वर्ल्ड के। इसके अंदर आपको एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम मिल जाएगा, मतलब आप देखोगे एक ऐसा मैनेजमेंट सिस्टम है जिसमें सेंट्रलाइज प्रोपल्शन है और मशीनरी कंट्रोल है। इसके अंदर डीजल इंजन बहुत पावरफुल है, बहुत जल्दी अपनी बैटरीज को चार्ज कर लेते हैं। देन इसके अंदर परमानेंट मैग्नेटिक सिंक्रोनस मोटर है, इसकी वजह से ये आप जो बहुत क्वाइट है, इसकी वजह से शोर नहीं मचाता। ठीक है, तो वन ऑफ द क्वाइटेस्ट सबमरीन्स है वर्ल्ड में। कहा जा रहा है कि करंज एक्चुअली पहला ट्रूली इंडिजिनस सबमरीन।
नेक्स्ट हम बात करते हैं आईएनएस कवरत्ती। इसका नेम रखा गया है लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के कैपिटल के नाम पे। इसमें आप देखेंगे जो जो चार इंडिजिनसली बिल्ट एंटी सबमरीन वॉरफेयर थे उसी उसमें से ये लास्ट है। तीन और सबमरीन से सेम क्लास के आईएनएस कमोर्ता, आईएनएस कडमट एंड आईएनएस किल्टन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी के बारे में थोड़ा सा कि ये एक इंडिजिनस कंटेंट है इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर आप इक्विपमेंट देखोगे स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट है, सिस्टम्स है जो न्यूक्लियर बायोलॉजिकल केमिकल किसी भी वॉरफेयर कंडीशन में फाइट कर सकती है। आत्मनिर्भर भारत का ही ये एक उसी के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करता है, जो आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव है उसके ऑब्जेक्टिव को ये फुलफिल करता है। देन आप देखेंगे ये जो आईएनएस कवरत्ती P-80 है, इसने बांग्लादेश के लिबरेशन में 1971 में बांग्लादेश के लिबरेशन में बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था। ठीक है, ये जो कवरत्ती P-80 है ये एक्चुअली इसका अर्लियर वर्जन है, जो अभी आया है कवरत्ती ये इसका लेटर वर्जन है। P-80 अर्लियर वर्जन है जिसने 1971 में बांग्लादेश के लिबरेशन में बहुत हेल्प की थी, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड दैट इज बायोटेक्नोलॉजी। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्वेश्चन इसमें आते ही आते हैं। बायोटेक्नोलॉजी क्या है? देखिए इसमें दो वर्ड्स हैं, बायो, ठीक है, बायोलॉजिकल सिस्टम, एंड टेक्नोलॉजी हमें पता है। तो बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो बायोलॉजिकल सिस्टम्स का इस्तेमाल करती है और डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाती है। जैसे कि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का या उनके कुछ पार्ट का यूज करके डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स डेवलप करें या क्रिएट करें, इसको बायोटेक्नोलॉजी कहेंगे। कैसे? जैसे मैं आपको बताऊं, ब्रेड बनाना, ब्रेड बनाना ये कैसा बायोटेक्नोलॉजी है? हाँ, ये भी बायोटेक्नोलॉजी के कॉन्सेप्ट में आता है। क्यों? क्योंकि ब्रेड में ईस्ट की जरूरत पड़ती है, हमें पता है। ठीक है, ईस्ट क्या है? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और फिर हम उसमें डिजायर्ड प्रोडक्ट बनाते हैं। कौन सा ईस्ट इसमें यूज होता है? सैक्रोमाइसिस सेरेवेसिए, ये एक्चुअली इसको शुगर ईटिंग फंगस भी कहते हैं। तो अगर आपको याद है बहुत अच्छी चीज है, वरना इस पे ध्यान देते हैं। तो जब हम ईस्ट का यूज करके ब्रेड डेवलप करते हैं, ब्रेड बनाते हैं, तो ये प्रोसेस क्या हो गया? बायोटेक्नोलॉजी हो गया। बिल्कुल ऐसे ही जब हम किसी भी जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको नेचुरल फॉर्म में या उसको मॉडर्न फॉर्म में यूज करते हैं तो बायोटेक्नोलॉजी कहलाती है वो टेक्नोलॉजी। ठीक है, सिंपल है। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग की डेवलपमेंट हुई थी 1970, तब से बायोटेक्नोलॉजी में बहुत सारे रिसर्च होने लग गए, नई नई पॉसिबिलिटीज दिखने लग गई। जैसे आपने जैसे जो ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल होता है DNA, उसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। अब बायोटेक्नोलॉजी में जितना भी इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन है बायोफार्मास्यूटिकल्स का या बायोलॉजिकल का, जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब्स को यूज करके जब हम मेडिसिन बना रहे हैं या बाकी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो उनको वो भी आता है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। ठीक है, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्या होता है? जिनके जीन्स में हमने कुछ मॉडिफिकेशन की, ठीक है, उनके DNA में हमने कुछ मॉडिफिकेशन की, और मॉडिफिकेशन के बाद इसको अलग अलग फील्ड में यूज किया जा सकता है, जैसे मेडिसिन में, डायग्नोस्टिक्स में, एग्रीकल्चर में, प्रोसेस्ड फूड में, देन बायो रेमेडिएशन में, वेस्ट ट्रीटमेंट में, बहुत सारी चीजों में इसका इस्तेमाल हो सकता है। जैसे हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं, नॉर्मल जो हम एग्रीकल्चर करते हैं उसका एक ऑल्टरनेटिव है। कैसा? कि हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का इस्तेमाल करें। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का इस्तेमाल करने का फायदा क्या होगा? हमें फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। देखिए क्रॉप में हमें पता है इस वाले क्रॉप में इस वाले प्रॉब्लम ये कुछ प्रॉब्लम्स होती है, तो मैं उसके जीन्स में चेंजेस करके वो प्रॉब्लम्स कम कर दूंगी या खत्म कर दूंगी। तो अब जब वो प्रॉब्लम है ही नहीं, तो उसके लिए मुझे सोल्यूशन भी नहीं करना पड़ेगा, तो थोड़ा एफर्ट मेरा कम हो जाएगा, फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स की यूज ज्यादा मुझे नहीं जरूरत पड़ेगी। ठीक है, एंड प्रोडक्शन मेरा अच्छा होगा, राइट? तो इन सब के फायदे की वजह से जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को यूज किया जा सकता है, एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है। देन जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं। अब ये क्या है? जो जैसे कि प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंजाई या एनिमल्स है, जिनके जीन्स में हमने कुछ मैनिपुलेशन की है, जिनके जीन्स में हमने कुछ चेंजेस किए हैं, उनको जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, राइट? जैसे कि मान लो कोई कोई भी क्रॉप है, ठीक है, अब ज्यादा हीट होती है तो वो खराब हो जाता है, या कम पानी होता है तो वो खराब हो जाता है, ठंड होती है तो वो खराब हो जाता है, तो हम उन्हें उस क्रॉप को क्या किया, ये जितने भी स्ट्रेसेस हैं, एबायोटिक स्ट्रेसेस, यानी कि कोल्ड आ गया या फिर सूखा पड़ गया, बहुत ज्यादा नमक है या बहुत ज्यादा गर्मी है, ये वाले जो स्ट्रेसेस है इनके लिए मैंने टॉलरेंट बना दिया, तो अब वो जो क्रॉप होगा वो इन इन स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में खराब नहीं होगा। देन मैंने पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स बना दिए, मतलब ऐसे क्रॉप्स जिन पे पेस्ट आएंगे ही, वो पेस्ट पेस्ट को
जो उनको खाने वाले कीड़े उनको वैसे ही भगा देगा, तो फिर मुझे पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही जैसे हार्वेस्ट के बाद बहुत सारा लॉस होता है, राइट, इन सब की वजह से, स्ट्रेसेस की वजह से प्लांट खराब हो गया, कुछ खराब हो गया, तो बहुत सारे लॉसेस होते हैं। अब जब खराब नहीं होगा तो आपका लॉस बच जाएगा, राइट। जैसे आपने नाम सुना होगा गोल्डन राइस का, गोल्डन राइस क्या है, ये एक्चुअली राइस की वैरायटी है जिसमें विटामिन ए बढ़ा दिया है हमने, तो ये क्या किया, हमने फूड का न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ा दिया। तो इस तरीके से इस्तेमाल होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का या ऑर्गेनिजम्स का। द नेक्स्ट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड बायोपेस्टिसाइड, जैसे बीटी टॉक्सिन है। बीटी टॉक्सिन एक्चुअली एक बैक्टीरियम से प्रोड्यूस होता है, बेसिलस थुरिंजियंसिस, इसका शॉर्ट है बीटी। ठीक है, अब बीटी टॉक्सिक जीन इसको बैक्टीरिया से हम क्लोन करके निकालते हैं, प्लांट्स में एक्सप्रेस करते हैं, जिससे बिना किसी इंसेक्टिसाइड की हेल्प के प्लांट्स अपने आप इंसेक्ट्स को भगाने लग जाएंगे। हमें वापस बाहर से कोई इंसेक्टिसाइड डालने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि वो टॉक्सिन है, तो इंसेक्टिसाइड उस पर नहीं लगेंगे, वो रेजिस्टेंट हो जाएगा। तो इसका मतलब हमने क्या किया, हमने एक बायो पेस्टिसाइड बना दिया, हमने बाहर से पेस्टिसाइड नहीं दिया, हमने प्लांट को ही पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट बना दिया। तो जैसे बीटी कॉटन है, बीटी कॉर्न है, राइस, टोमेटो, पोटेटो, सोयाबीन, एटसेट्रा, राइट। देन जैसे अब मैं बताऊं बेसिलस थुरिंजियंसिस की बात करते हैं, तो वो एक ऐसा प्रोटीन प्रोड्यूस करता है जिससे इंसेक्ट्स, कुछ सर्टेन इंसेक्ट्स हो गए, जैसे कि टोबैको बडवॉर्म है या आर्मी वॉर्म है, बीटल्स हैं, फ्लाइज है, मस्कीटोज है, ये अपने आप मर जाते हैं उस टॉक्सिन की वजह से। मैंने बताया ना बीटी टॉक्सिन क्यों कहते हैं, ये एक ऐसा टॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा कि इस तरीके के जो भी आपको इंसेक्ट्स दिखेंगे वो मर जाएंगे उस टॉक्सिन की वजह से। एंड दैट्स हाउ वी प्रोड्यूस्ड बायोपेस्टिसाइड। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट की। अभी वैसे मैंने आपको बताया भी था, बट बहुत सारे निमाटोड, बहुत सारे पैरासाइट्स हैं जो बहुत सारे प्लांट्स पे, एनिमल्स पे, ह्यूमन बीइंग्स पे भी आके अटक जाते हैं। तो जैसे मैं अगर बताऊं आपको टोबैको प्लांट की, तो टोबैको प्लांट के रूट में एक निमाटोड है, निमाटोड का नाम क्या है, इनकॉग्निटा। ठीक है, मेलोडिंट इनकॉग्निटा, ये टोबैको प्लांट के रूट में आके इन्फेक्ट करता है, और उसकी जो यील्ड है, मतलब बाद में जितना वो प्रोड्यूस होगा उसकी क्वांटिटी को रिड्यूस कर देगा, राइट। तो इसके लिए हमने क्या किया, प्रोसेस का इस्तेमाल किया जिसका नाम है आरएनए साइलेंसिंग। ठीक है, हमने क्या किया उसमें, एमआरएनए को साइलेंस कर दिया। कैसे करते हैं ये, देखिए आरएनएआई यानी कि आरएनए इंटरफेरेंस, अगर हम आरएनए इंटरफेरेंस करते हैं कैसे, अब यहां पर हमने क्या किया, एक स्पेसिफिक एमआरएनए है और उसका एक कॉम्प्लीमेंट्री डीएसआरएनए मॉलिक्यूल है, ये इसके साथ बाइंड कर जाएगा, तो एमआरएनए ट्रांसलेट नहीं हो पाएगा, और इसको कहते हैं एमआरएनए साइलेंसिंग। एमआरएनए साइलेंसिंग की वजह से अब जो ये रूट में इफेक्ट कर रहा था वो इफेक्ट नहीं करेगा। तो हमने क्या किया, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स बना दिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेडिसिन में कैसे यूज हो सकता है। तो ये जो डीएनए टेक्नोलॉजी है इसका इम्पैक्ट हेल्थ केयर में तो है ही है, बहुत ज्यादा। कैसे, वो सेफ और ज्यादा इफेक्टिव ड्रग्स बना सकते हैं, और वो भी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, इसीलिए इसका बहुत अच्छे से यूज हो सकता है। जैसे कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, इंसुलिन की हम बात करते हैं, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन की बात करते हैं। इंसुलिन क्या है, इंसुलिन की रिक्वायरमेंट पड़ती है जिनमें डायबिटीज होता है उनमें, ठीक है, इंसुलिन प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो कुछ ऐसे एडल्ट भी हैं जिनके अंदर इंसुलिन, जिनके अंदर डायबिटीज देखने को मिलता है। तो अगर वो जो एडल्ट ऑनसेट होती है डायबिटीज की, अगर हम उसे मैनेज करना चाहते हैं, तो अगर हम इंसुलिन को रेगुलर टाइम इंटरवल्स पे लेते रहेंगे तो वो आराम से मैनेज हो जाएगा। इंसुलिन के अंदर दो छोटे पॉलीपेप्टाइड चेन है, ठीक है, प्रोटीन, यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड चेन है, दो, चेन ए और चेन बी। ये जैसे ये चेन ए है, ये चेन बी है, और इनके बीच में एक ब्रिज है जिसका नाम है डाइसल्फाइड ब्रिज। अब ये क्या है, ये एक प्रो एंजाइम है। इंसुलिन क्या होता है, ये एक प्रो एंजाइम है। प्रो एंजाइम क्या होता है, ऐसा जिसको पहले प्रोसेस करना पड़ेगा इससे पहले कि वो फुल्ली मेच्योर और फंक्शनल हो जाए। प्रो हॉर्मोन्स भी ऐसे ही होते हैं, वो ऐसे हॉर्मोन्स हैं जिनको पहले प्रोसेस करना पड़ता है, उसके बाद वो मेच्योर होंगे और फिर वो काम करेंगे। तो ऐसे ही ये एक प्रो एंजाइम है जिसके अंदर एक सी पेप्टाइड भी होता है। अब ये सी पेप्टाइड मेच्योर इंसुलिन में नहीं है। अभी हमने क्या देखा, एक तो चेन ए है, चेन बी है, इसके अंदर एक सी पेप्टाइड प्रेजेंट होगा, हमें उस सी पेप्टाइड को रिमूव करना है। उसको रिमूव करते ही इंसुलिन मेच्योर हो जाता है और वो फंक्शनल हो जाएगा। मेन चैलेंज इंसुलिन प्रोडक्शन का ये है कि हम इस आरएनए आरडीएनए टेक्निक को कैसे मेच्योर फॉर्म बनाएंगे इंसुलिन का।
ये मेन चैलेंज होता है, लेकिन अगर हम बनाते हैं तो दैट विल बी यूजफुल, राइट। देन जीन थेरेपी में कैसे यूज हो सकता है, कोई अगर पर्सन है जिसके अंदर जेनेटिक लेवल पे कोई प्रॉब्लम है यानी कि हेरिडिटरी डिजीज है, तो उसके लिए जीन थेरेपी होती है। जीन थेरेपी क्या करेगा, आपके जीन डिफेक्ट को जाके करेक्ट करेगा, ठीक है, जो चाइल्ड में ही या एम्ब्रियो के टाइम पे ही डेवलप हो गई थी या डायग्नोज हो गई थी, उसको जीन्स लेवल पे जाके उस डिफेक्ट को ठीक करेगा। तो क्या करते हैं हम, उसमें जीन्स को इंसर्ट किया जाता है पर्सन के सेल या टिश्यू में और वो उस डिजीज को ट्रीट कर देता है, इसको कहते हैं जीन थेरेपी। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडीए डेफिशिएंसी की, एडीनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी, इसको भी क्योर करने के लिए जीन थेरेपी यानी कि जीन का हम जेनेटिक मॉड्यूलेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो एमिनेज है यानी कि ये जो एंजाइम है, बेसिकली ये जो एंजाइम है ये इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, इम्यून सिस्टम का सही फंक्शन हो उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये डिसऑर्डर कब होता है, जब ये जो डीएमिनेज है इसके लिए जो जीन है एडीनोसिन डीएमिनेज के लिए जो जीन होता है वो बॉडी में ना प्रेजेंट हो या डिलीट हो गया, तब ये बॉडी में आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें क्या करते हैं, जीन थेरेपी के थ्रू लिम्फोसाइट, जो पेशेंट है उसके ब्लड से लिम्फोसाइट निकालेंगे, बाहर कल्चर करेंगे बॉडी में और फिर उसको बॉडी में दोबारा डालेंगे ताकि इस डेफिशिएंसी को रिमूव किया जा सके। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें रेगुलरली उसको करना पड़ेगा, अगर पर्सन डेवलप्ड है, अगर पर्सन बड़ा हो चुका है तो उसको रेगुलरली ये इन्फ्यूजन करना पड़ेगा लिम्फोसाइट्स का, जेनेटिकली इंजीनियर लिम्फोसाइट का। इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन है क्या, हाँ डेफिनेटली है, अगर एम्ब्रियो वाले स्टेज पे ही, ठीक है, एम्ब्रियो वाला स्टेज जब होता है, एम्ब्रियो वाले स्टेज पे ही अगर पता चल जाए एडीए डेफिशिएंसी है तो बोन मैरो में सेल्स होते हैं, ठीक है, वो मैरो सेल्स एडीए प्रोड्यूस करते हैं, तो मैरो सेल्स में से जीन आइसोलेट करके और फिर उसमें चेंजेस अगर हम कर दें तो फिर ये परमानेंट क्योर बन सकता है। नेक्स्ट मॉलिकुलर डायग्नोसिस की बात करते हैं, किसी भी डिजीज के इफेक्टिव ट्रीटमेंट के लिए जितनी जल्दी वो डायग्नोस हो जाए उतना अच्छा होता है, राइट। नॉर्मली कन्वेंशनल मेथड्स में क्या होगा, जैसे हम सीरम एनालिसिस करते हैं, यूरिन एनालिसिस करते हैं, तो अर्ली डिटेक्शन नहीं हो पाता, जब तक आपको कोई ना कोई सिम्टम नहीं दिखने लगेगा तब तक नहीं पता चलता उस समय। तो इसके लिए कुछ टेक्निक्स हैं जो अर्ली डिटेक्शन में काम करते हैं, जैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एंड एलाइजा जो कि एड्स में भी यूज होता है, ठीक है, एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, इनसे आप बहुत अर्ली स्टेज पे ही, आप जो मॉलिकुलर स्टेज पे जब बैक्टीरिया या वायरस का बहुत ही थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन है बॉडी में, अभी तक वो एम्पलीफाई नहीं हुआ है, उस थोड़े से कॉन्सेंट्रेशन को एम्पलीफाई करके पीसीआर टेस्ट के थ्रू आप पता कर सकते हैं, ठीक है, बहुत ही कम कॉन्सेंट्रेशन, जब उसने इफेक्ट दिखाना शुरू नहीं किया तभी भी आप इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट एचआईवी के डायग्नोसिस में अभी मैंने आपको बताया कि एलाइजा टेस्ट यूज होता है, ये एक्चुअली एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पे बेस्ड है, इस पैथोजन के थ्रू अगर इन्फेक्शन होता है तो बॉडी में एंटीजेंस प्रेजेंट होंगे, ठीक है, और या फिर एंटीबॉडीज होंगी जो बॉडी ने बनाई होगी इस एंटीजन के अगेंस्ट, तो इन दोनों का ही किसी का भी टेस्ट करके आप एलाइजा के थ्रू इजीली एचआईवी फाइंड कर सकते हैं। पीसीआर रूटीनली किया जाता है एचआईवी डेवलप करने के लिए, जितने भी सस्पेक्टेड एड्स पेशेंट है उनमें अगर एचआईवी डेवलप हुआ है या नहीं हुआ है ये फाइंड करने के लिए पीसीआर टेस्ट बहुत नॉर्मल है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। देन हम बात करते हैं क्रिस्पर टेक्नोलॉजी की, बहुत सिंपल टेक्निक है ये, बहुत ही पावरफुल है, इसके थ्रू आसानी से आप डीएनए सीक्वेंस को ऑल्टर कर सकते हैं, ठीक है, मॉडिफाई कर सकते हैं जीन के फंक्शन को अपने हिसाब से। क्रिस्पर में क्या होता है बेसिकली, इसको टेक्नोलॉजी को, इस टेक्नोलॉजी को डेवलप कैसे किया गया था, तो क्रिस्पर केस ये एक नेचुरली अकरिंग जीनोम एडिटिंग सिस्टम है, ठीक है, मतलब जीनोम को एडिट करता है जो बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, वहां से लिया गया। अब क्रिस्पर एरेज बनाए गए, उसकी वजह से बैक्टीरिया जो भी वायरस है जो अटैक कर सकता है उसको याद रखता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, पहले तो हमने डेड वायरस इंट्रोड्यूस कर दिए बॉडी में, राइट, तो अब उसको वो याद रहेगा कि ये वायरस अटैक अगर करेगा तो मुझे पता चल जाएगा, तो जब वो वायरस दोबारा अटैक करेगा तो बैक्टीरिया क्या करेंगे, बैक्टीरिया क्रिस्पर एरेज को प्रोड्यूस करेंगे जो उस वायरस के डीएनए को टारगेट करेगा और उसे खत्म कर देगा। अब ये कहाँ पे यूज होता है, ये आपके जीन, जितने भी जीन डिसऑर्डर है, जैसे कि हीमोफीलिया हो गया, सिकल सेल डिजीज हो गया, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, ये सब जीन डिसऑर्डर है आपके डीएनए ऑल्टरिंग की वजह से है, तो इनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है क्रिस्पर टेक्नोलॉजी का।
नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स का। ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या है? इनके अब वो एनिमल्स है जिनके डीएनए को मैंने चेंज कर दिया है या मैनिपुलेट कर दिया है, किस लिए? ताकि मैं चाहती हूँ कोई एक पर्टिकुलर हैबिट उनके अंदर दिखाई दे या कोई पर्टिकुलर ट्रेट वो दिखा सके। इनको ट्रांसजेनिक एनिमल्स कहते हैं। जैसे कि ट्रांसजेनिक रैट्स, रैबिट्स, पिग्स, शीप, काउ, फिश, इन सबको प्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। और ज्यादातर जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स प्रोड्यूस किए जाते हैं वो किस लिए? माइस, मतलब जो वो चूहा होता है, लैब रैट, उसमें प्रोड्यूस किया जाता है। क्यों? ताकि हम अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके देख सके और उनके थ्रू हम अलग अलग दवाइयां प्रोड्यूस कर सके, ठीक है। अब इसमें होगा क्या? देखिए, नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट, जो भी ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं उनको हम एक स्पेसिफिक तरीके से डिजाइन कर सकते हैं कि उनका जीन कैसे काम करेगा और उसके बेसिस पे वो पर्टिकुलर फंक्शन शो करेंगे बॉडी में, राइट। जैसे मान लो मैंने किसी और स्पीसीज का जीन है, उसको इंट्रोड्यूस कर दिया किसी एनिमल में, और फिर मैं देखूंगी उस एनिमल में वो किस तरीके से प्रोड्यूस हो रहा है या उस एनिमल में किस तरीके से वो खुद को प्रेजेंट कर रहा है, और फिर उस हिसाब से मैं उसको ट्रीट कर सकती हूँ, उस पर इंफॉर्मेशन ले सकती हूँ और ज्यादा, राइट। अगर मैं वही पर्टिकुलर जीन, ठीक है, अगर मैं वही जीन ह्यूमंस में अगर मुझे डायरेक्टली दिख जाए तो मैं उसको स्टडी नहीं कर पाऊंगी, पर एनिमल्स में अगर मैं इंट्रोड्यूस कर देती हूँ मैं उसे आसानी से स्टडी करके उसका सोल्यूशन निकाल सकती हूँ। इसलिए ट्रांसजेनिक एनिमल्स का फायदा होता है। वही डिजीज के बारे में मैंने आपको बताया, किसी पर्टिकुलर डिजीज को आप आराम से इसमें स्टडी कर सकते हो, उसके बाद आप उसके लिए दवाइयां बना सकते हो। इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, 1997 में पहली ट्रांसजेनिक काउ बनाई गई थी, रोजी नाम रखा गया था, रोजी, जिसके अंदर जो मिल्क प्रोड्यूस होता था वो ह्यूमन प्रोटीन रिच था। उसको इस तरीके से बनाया गया था कि उसका मिल्क ह्यूमन प्रोटीन रिच था, ठीक है। इस मिल्क में ह्यूमन अल्फा लैक्टालब्यूमिन था, जो आप देखेंगे ह्यूमन बेबीज के लिए काउ मिल्क से कहीं ज्यादा न्यूट्रिशनल है, राइट। आपने देखा होगा जो बेबीज पैदा होते हैं उनको काउ मिल्क नहीं, उनको मदर जो मिल्क है वो पिलाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा न्यूट्रिशनल है। तो वही न्यूट्रिशनल वैल्यू इस काउ में, यानी कि रोजी के अंदर, उसके मिल्क में प्रोड्यूस किया गया था यूजिंग दिस मेथड। नेक्स्ट, वैक्सीन सेफ्टी, ऑफकोर्स, कि मैं कोई वैक्सीन अगर निकाल भी रही हूँ तो पहले मैं उसे एनिमल्स पे चेक करूंगी, तब मैं ह्यूमंस पे लेके आऊंगी, डायरेक्टली ह्यूमंस पे तो नहीं देखूंगी। तो मैं ह्यूमन बॉडी जैसा एनिमल में इंट्रोड्यूस करूंगी, और एनिमल्स पे, जैसे कि ट्रांसजेनिक माइस होते हैं, उनपे जनरली वैक्सीन को टेस्ट किया जाता है, डायरेक्टली ह्यूमन पे नहीं किया जाता। तो इन पे उनको टेस्ट किया जाता है और इनका जो रिजल्ट आएगा उसको ज्यादा रिलायबल माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग, ऑफकोर्स, किसी भी केमिकल, कोई भी टॉक्सिसिटी या सेफ्टी टेस्टिंग, अगेन किसी भी ड्रग का कितना टॉक्सिसिटी है, हम कोई ड्रग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसपे कितना फायदा है कितना नुकसान है, ये भी हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स पे ज्यादा अच्छे से टेस्ट कर सकते हैं, उसको स्टडी कर सकते हैं, और उसके बाद जो भी रिजल्ट आता है हमारे पास, लेस टाइम में रिजल्ट आ जाएगा क्योंकि सामने ही है हमारे पास सारी स्पीसीज, तो रिजल्ट आ जाएगा, उसके बेसिस पे हम चेंजेस कर सकते हैं। इंडिया में टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो इंडिया का जो बायोटेक्नोलॉजी है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, उसमें जितना भी बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर में जो भी प्रोग्राम्स होते हैं वो इंडिया में डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ही मैनेज करता है। ये किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके? रिसर्च, इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्स, देन इंडस्ट्री, इन सब का प्रमोशन किया जा सके, इन सब में सर्विसेज अच्छे से प्रोवाइड किया जा सके, प्रॉपर रिसर्च हो सके, इसके लिए इसका मेन फंक्शन रहता है। देन हम जेनेटिकली मॉडिफाइड जो ऑर्गेनिजम्स बना रहे हैं या डीएनए प्रोडक्ट्स, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, उनका कुछ तो गाइडलाइंस होना चाहिए, कोई बायोसेफ्टी गाइडलाइंस होनी चाहिए, तो ये गाइडलाइंस का इम्प्लीमेंटेशन भी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। ये कमेटी किसके अंडर काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर। जो भी एक्टिविटीज जिनमें लार्ज स्केल यूज हो सकता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, हजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, या जितने भी रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप इंडस्ट्रियल या रिसर्च प्रोडक्शन में यूज कर सकते हो, इन सबको एनवायरमेंट के एंगल से देखना और उनका अप्रेजल देना, ये काम है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी का, ठीक है। इस कमेटी इसका इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ये कमेटी रिस्पॉन्सिबल है उन प्रपोजल्स को अप्रेज करने के लिए जिसमें जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म और उनके प्रोडक्ट्स का एनवायरमेंट पे कुछ इफेक्ट होगा, उसको हम एनवायरमेंट में रिलीज कर रहे हैं, क्लियर। इसके चेयरमैन कौन है? इसके चेयरमैन है सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। और इसका ये को चेयर कौन होता है, इसपे को चेयर कौन करता है? ये कोई भी एक रिप्रेजेंटेटिव होता है फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी,
दैट पर्सन को चेयर्स दिस कमिटी। नेक्स्ट, इसकी यूटिलिटी क्या है पब्लिक हेल्थ और न्यूट्रिशन में? जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी है, हमें पता है इंडिया में न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी बहुत ज्यादा है, सीवियर मेल न्यूट्रिशन है, मतलब हम खाना तो खा रहे हैं, पेट भर रहे हैं, लेकिन हमारा न्यूट्रिशन पूरा नहीं हो रहा। तो ह्यूमन हेल्थ के लिए फूड फोर्टिफिकेशन, यानी कि फूड को मैं इतना एनरिच करूं कि उसमें पर्टिकुलर न्यूट्रिशन जो मुझे चाहिए वो आ जाए। ह्यूमन हेल्थ के लिए, फूड सेफ्टी के लिए, इन सब के लिए जितनी भी एड्रेसल, यानी इन सब के लिए जितने भी प्रॉब्लम्स है उनका, उनको एड्रेस करना, उनको सॉल्व करने का काम इन इस कमिटी का है। ठीक है, लो कॉस्ट फूड सप्लीमेंट्स को प्रोड्यूस करना, जितने भी एग्रीकल्चर रेजिड्यूज है उनको एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स में यूज करना, ये सब भी इसका भी डेवलपमेंट इसी कमेटी का काम है। फूड साइंस और न्यूट्रिशन बायोलॉजी को डेवलप करना भी इसी कमेटी का काम। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी इस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड इसी के साथ हमारा बायोटेक्नोलॉजी वाला पार्ट भी खत्म हो जाता है। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक, बट बिफोर दैट, जो कि हम हर क्लास में करते हैं, एक बार क्विक रिवीजन हो जाए जितना भी हमने पढ़ा है उसका, जल्दी से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ओके, सो वी स्टार्टेड विद मिसाइल सिस्टम, राइट? डिफेंस सिस्टम के साथ हमने स्टार्ट किया था। डिफेंस सिस्टम में सबसे पहले हमने पढ़ा है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्लान, जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, प्रेसिडेंट, फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के अंडर था 1983 में। मेन मिशन इसका यही था कि इंडिया खुद सफिशियंट बन जाए मिसाइल टेक्नोलॉजी में। 5 मिसाइल इसके अंदर, पटना से आप याद कर सकते हैं, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश। 2008 में ये कंप्लीट हो गया था। देन ये डिटेल्स हैं, जैसे अग्नि 1 सिंगल स्टेज इंजन है इसमें, अग्नि 2 में 2 स्टेज है, अग्नि 3 में भी 2 स्टेज है, 4 में भी 2 स्टेज है, अग्नि 5 में 3 स्टेज प्रोपेलेंट इंजन है। ठीक है, देन पृथ्वी की बात करते हैं, पृथ्वी 1 पृथ्वी 2 दोनों ही सर्फेस टू सर्फेस बैलिस्टिक मिसाइल है। देन ये 500 to 1000 किलोग्राम का वॉर हेड कैरी कर सकती है। पृथ्वी 3 है जिसका नाम धनुष है। दोनों में आप देख सकते हैं डिफरेंस किस चीज का है, रेंज का। पृथ्वी 1 40 किलोमीटर to 150 किलोमीटर जा सकती है, जबकि पृथ्वी 2 350 किलोमीटर तक जा सकती है। देन नाग की बात करते हैं, इसके अंदर इंफ्रारेड रेडार सीकर है, ठीक है, और इसको लैंड और एयर बेस्ड प्लेटफॉर्म दोनों पे लॉन्च किया जा सकता है। देन लैंड बेस्ड वर्जन का जो रेंज है दैट इज 4 किलोमीटर, एयर बेस्ड का रेंज है 7 किलोमीटर। आकाश मिसाइल की बात करते हैं, ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, सुपरसोनिक है, स्ट्राइक रेंज इसका 25 किलोमीटर तक का है, एंड ये कितना वॉरहेड कैरी कर सकता है, 55 किलोग्राम का वॉरहेड, ये फ्रेगमेंटेड वॉरहेड कैरी कर सकता है। ऑटोनोमस सिस्टम है इसका, फुल्ली ऑटोमेटेड ये फंक्शन कर सकता है। त्रिशूल की बात करते हैं, डीआरडीओ ने डेवलप किया है। क्विक रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, त्रिशूल का क्विकेस्ट रिएक्शन है सर्फेस टू एयर मिसाइल। ड्यूअल थ्रस्ट प्रोपल्शन सिस्टम है इसके अंदर, हाई एनर्जी सॉलिड प्रोपेलेंट का इस्तेमाल होता है। देन ब्रह्मोस की बात करते हैं, इसका दो मेजर रिवर है इंडिया और रशिया की, क्योंकि उसी के कोलैबोरेशन से बना है, ब्रह्मपुत्र और मोस्कवा, तो उसके नाम पे इसका नाम रखा गया है। ठीक है, नाग फायर एंड फॉरगेट कैटेगरी सिस्टम का ही 3rd जनरेशन। ओके, इसके अंदर इसकी रेंज 500 मीटर तक है, मैक्सिमम रेंज इसकी जा सकती है 4 किलोमीटर तक, 500 मीटर से लेके 4 किलोमीटर तक। देन ये 2 अटैक मोड्स पे काम करता है, टॉप अटैक मोड एंड डायरेक्ट अटैक मोड। टॉप अटैक मोड का मतलब ये वर्टिकली जाएगा फिर अटैक करेगा, डायरेक्ट मतलब इस तरीके से अटैक करेगा। ठीक है, देन हम बात करते हैं आकाश की, आकाश और त्रिशूल मैंने बता दिया था आपको। फिर हम बात करते हैं निर्भय सबसोनिक क्रूज मिसाइल की। निर्भय क्या है, एक लॉन्ग रेंज ऑल वेदर सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। 2 स्टेज मिसाइल है इसके अंदर, दो स्टेज मिसाइल है जिसमें सॉलिड रॉकेट मोटर बूस्टर है। देन इसकी स्पीड 0.6 to 0.7 Mach है, जो कि सबसोनिक स्पीड है। 1000 किलोमीटर यानी कि लॉन्ग रेंज है, तो 1000 किलोमीटर तक ये ऑपरेशनल है। देन हम बात करते हैं अस्त्र की, अस्त्र एक बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। 15 किलोग्राम हाई एक्सप्लोसिव प्री फ्रेगमेंटेड वॉरहेड ये कैरी कर सकता है 70 किलोमीटर तक, और जब अटैक करता है तो इसकी स्पीड जो होती है 5555 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कर सकता है। ऑल वेदर है, ऑल वेदर डे मिसाइल है, और रात को भी आसानी से काम कर सकता है, नाइट कैपेबिलिटी। क्रूज मिसाइल होता है बेसिकली अनमैन्ड है, सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल होता है। ठीक है, सबसोनिक स्पीड जो साउंड से कम हो, सुपरसोनिक स्पीड जो 2 to 3 Mach हो, हाइपरसोनिक स्पीड काफी अच्छी स्पीड 5 Mach से ज्यादा है,
देन बेलिस्टिक मिसाइल जो बेलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करता है, जो मैंने आपको बताया था, रिवाइज कर लेना। एयर डिफेंस सिस्टम में हमने पढ़ा MRSAM, जो एक हाई रिस्पॉन्स क्विक रिएक्शन वर्टिकली लॉन्च्ड सुपरसोनिक मिसाइल है, ठीक है। इसकी स्पीड आप देखेंगे तो Mach 1 से लेके Mach 3 के बीच में है। देन आर्मी वेरिएंट, MRSAM का आर्मी वेरिएंट भी है। इसको डेवलप किसने किया था, तो इंडिया और रशिया का जॉइंट प्रोजेक्ट है ये। देन इसराइल की बात करते हैं, डोम, आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम जो जेरूसलम में क्लैश के ऊपर यूज किया गया था, शॉर्ट रेंज है, ग्राउंड टू एयर डिफेंस सिस्टम है, रडार है इसके अंदर, देन इंटरसेप्टर मिसाइल है। एंड इसको आप देखेंगे, इसको आप हर वेदर में यूज कर सकते हैं, डे हो या नाइट हो, सब में केपेबल है। इसमें कंपोनेंट्स क्या है, रडार है, वेपन कंट्रोल है एंड मिसाइल फायर। देन इंडिया के पास इसका क्या ऑल्टरनेटिव है, S-400 ट्रायम्फ, जो रॉकेट मिसाइल क्रूज मिसाइल सबको केटर करता है, सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है ये, जो डिजाइन किया है रशिया ने। देन इसमें आप देखेंगे अगर 100 एयरबॉर्न टारगेट्स भी है तो उनको ये ट्रैक कर सकते हैं, और उसमें से 6 को एक साथ ये एंगेज कर सकता है। सेकेंड है पृथ्वी एयर डिफेंस एडवांस्ड एयर डिफेंस। पृथ्वी एयर डिफेंस हाई ऑल्टीट्यूड इंटरसेप्शन है, और एडवांस्ड का लो ऑल्टीट्यूड इंटरसेप्शन है। रेंज इसकी क्या है, तो 5,000 किलोमीटर दूर भी अगर कोई मिसाइल है तो उसको ये आसानी से देख सकता है, ट्रैक कर सकता है। इसमें रडार है, कमांड एंड कंट्रोल पोस्ट है। फिर आता है अश्विन एडवांस्ड एयर डिफेंस इंटरसेप्टर मिसाइल। इसको DRDO ने डेवलप किया था, लो ऑल्टीट्यूड सुपरसोनिक बैलिस्टिक इंटरसेप्टर मिसाइल है, ठीक है। देन क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल QRSAM की बात करते हैं। इसमें जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको 3 कंपनीज देख रही है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और लार्सन एंड टर्बो। देन इसमें दो रडार, 360 डिग्री कवरेज के दो रडार होते हैं, सिंगल स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट सिस्टम है एंड ऑल वेदर मिसाइल है, ये भी फुल्ली ऑटोमेटेड है। जो लास्ट फायरिंग हुई थी नवंबर 2020 में, उसमें इन सब ने पार्टिसिपेट किया था। टोटल अभी तक 7 टेस्ट फायरिंग हो चुकी है QRSAM की। सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी में सबसे पहले आता है नेत्र, सर्वेलेंस का काम करता है, अर्ली वार्निंग सिस्टम का काम करता है कि अगर स्पेस में किसी भी तरीके का डेब्री है या कोई भी हैजार्डस ऑब्जेक्ट है जो इंडियन सेटेलाइट को नुकसान पहुंचा सकता है, उसको आसानी से ये कैप्चर कर सकता है, ठीक है, उसको आसानी से फाइंड आउट कर सकता है, ट्रैक कर सकता है। देन दूसरा है रुस्तम 2 ड्रोन। ये एक मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन है, जो डिजाइन और डेवलप किसके द्वारा किया गया है, DRDO के एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। ये एक 22,000 फीट तक फ्लाई कर सकता है, एंड्योरेंस है इसकी 20 आवर्स तक, ठीक है। नेक्स्ट है मंत्रा। इसमें तीन है, तीन वेरियंट है, S फॉर सर्वेलेंस, M फॉर माइन डिटेक्शन एंड N फॉर न्यूक्लियर एंड बायोलॉजिकल थ्रेट्स। देन नेक्स्ट आता है स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन, नेवी में यूज होता है ये, बताया था अभी नेवी वाले ही पढ़ रहे हैं। तो इसके अंदर इम्पोर्टेंट कौन कौन से हैं, ये जो स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है, इस ये 21 डेज तक सबमर्ज रह सकता है, ठीक है, और 350 मीटर तक डेप्थ पर ये, उससे ज्यादा की डेप्थ पर ये जा सकता है। देन बहुत सारे इसमें स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है, जैसे INS कलवेरी, कांडेरी, देन करंज, बेला, वागीर एंड 6th one इज इन डेवलपमेंट स्टेज, एडवांस स्टेज। INS करंज की बात करते हैं, तो ये एक इसके अंदर एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम है जो प्रोपल्शन और मशीनरी कंट्रोल दोनों प्रोवाइड करता है, बेस्ट सेंसर है इसका वर्ल्ड में। देन हम बात करते हैं कावरती की। कावरती एक्चुअली लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के कैपिटल के नाम पे रखा गया है, राइट। एंड इसके अलावा और भी सेम क्लास में है, जैसे कामोर्टा, कडमट एंड INS किल्टन। देन कावरती एक किस में यूज हो सकता है, न्यूक्लियर में, बायोलॉजिकल केमिकल वॉरफेयर कंडीशन में, सब में यूज हो सकता है। आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के अंदर आता है ये, क्योंकि इंडिजिनस है। एंड इसका एक प्रीवियस वर्जन था INS कारावती कावरती P-80, जिसको बांग्लादेश के लिबरेशन के टाइम पे 1971 में जिसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। देन हम बायोटेक्नोलॉजी पे आए थे। बायोटेक्नोलॉजी का सिंपल सा मतलब है टेक्नोलॉजी को बायोलॉजिकल सिस्टम में यूटिलाइज करना, क्लियर। अब इसमें एग्रीकल्चर में हो सकता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हम यूज कर सकते हैं बेटर परफॉर्मेंस के लिए, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स यूज हो सकते हैं, जैसे क्रॉप्स को हम जेनेटिकली मॉडिफाई अगर कर दें तो स्ट्रेस कंडीशन में, पेस्टिसाइड्स को कंट्रोल करने में, हार्वेस्ट को इम्प्रूव करने में, सब में ये हेल्प कर सकता है, न्यूट्रिशनल फूड बनाने में ये हेल्प कर सकता है। देन हम पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स बना सकते हैं, ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड बायोपेस्टिसाइड्स बना सकते हैं।
देन मेडिसिन में इसका काफी इस्तेमाल होता है, जैसे जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन है, जीन थेरेपी में इसका इस्तेमाल होता है, देन एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी को क्योर करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, अर्ली डिटेक्शन ऑफ एनी डिजीज के लिए इसका इस्तेमाल हो सकता है, एचआईवी के डायग्नोसिस के लिए हो सकता है। क्रिस्पर टेक्नोलॉजी के बारे में हमने पढ़ा, जिसके अंदर क्रिस्पर एरे वो क्या करता है, वो बैक्टीरिया के थ्रू निकाला गया है, तो वो अलाउ करता है कि जो वायरसेस उनको याद रखे, तो जब नेक्स्ट अटैक होगा तो उसको वो आसानी से अटैक कर सकता है, ठीक है, रिमूव कर सकता है। तो नेक्स्ट अटैक कैसा होगा, जैसे कि इसमें जितने भी आप देखेंगे सिंगल जीन डिसऑर्डर डिजीजेस हैं, जैसे कि सिस्टिक फाइब्रोसिस है, हेमोफीलिया है, सिकल सेल डिजीज है, इन सब में क्रिस्पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। देन ट्रांसजेनिक एनिमल्स हमने पढ़ा था, डीएनए इसमें मैनिपुलेट कर देते हैं और उनको आप अलग अलग चीजों के लिए यूज करोगे, कि जैसे हमने जो दवाई बनाई है उसका क्या इफेक्ट हो रहा है, हमने जो इंजेक्शन बनाया है उसका क्या इफेक्ट हो रहा है, या कोई डिजीज है उसको हमें स्टडी करना है तो उस डिजीज का जीन डाल दो एनिमल में। देन जो पहला आप ट्रांसजेनिक काउ है, पहली ट्रांसजेनिक काउ थी 1997 में रोजी के नाम से, और उसको बेसिकली वो एक ट्रांसजेनिक एनिमल थी, वो ह्यूमन प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क प्रोड्यूस कर सकती थी, उसके अंदर ऐसे चेंजेस किए गए थे वैक्सीन सेफ्टी के लिए, कि हम पहले एनिमल्स पे टेस्ट कर लेंगे उसके बाद हम ह्यूमंस पे आएंगे। देन ड्रग्स की टॉक्सिसिटी के लिए हमने कोई ड्रग बनाया है, कोई कोई दवाई बनाई है, वो देखिए कि कितना सेफ है। देन डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है इंडिया में, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर, जो सारे बायोटेक्नोलॉजिकल सेक्टर में जो भी प्रोग्राम्स है उनको मैनेज करती है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी के बारे में, जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आता है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड जितने भी इसमें हैजार्ड्स होते हैं, एनवायरनमेंट से रिलेटेड जितने भी स्टेप्स होते हैं उनको ये देखता है, ठीक है। पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन में इसका इस्तेमाल होता ही होता है, फूड साइंस और न्यूट्रिशन बायोलॉजी को हम इम्प्रूव कर सकते हैं, उसको पढ़ के हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। देन लो कॉस्ट फूड सप्लीमेंट्स प्रोवाइड करने का काम है इनका, देन माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी का एड्रेसल करने का काम है। And with that, we come to the end of the lecture. Next class, we will start with something new. If you haven't already subscribed to the channel, then do subscribe to the channel and hit the bell icon ताकि आपको regular updates मिल जाए। इस class को like और share करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली class में। Thank you so much.